हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब यार? आज ऑफ है तो आज दोस्तों किसे मिलने जाते हैं, बहुत दिन हो गया डीएवी वाले दोस्तों से मिले नहीं है। उन दोस्तों का ये है, उनके साथ यार मस्ती करने में एक अलग ही मज़ा आता है। मतलब पुराने दोस्त हैं तो साथ ना बैठोगे ना तो एक बहुत ही अच्छी फील आती है, वो वाली फील आती है। तो अभी तो निकलते हैं, मैं तैयार एकदम रेडी, तो बस निकलते हैं फिर मिलते हैं उनके साथ। मुझे बहुत दिन हो गए टाई नहीं बांधी, आज मैं टाई बांध के देखता हूँ। ये वाली चीज घूमती है, ठीक है, जब ये घूम जाती है, जब लगता है टाई बराबर हो चुकी है, यहाँ से ऐसे खोल कर इसमें से ऐसे निकाल देते हैं इसे और ऐसे खींच देते। ये क्या हो गया? ये फट गई टाई। अब मैं समझ गया कैसे। ये देखिए, ये यहाँ से गई ना, तो फाइनली हमने टाई बना दी। ले लेना। A few moments later. तो अभी हम लोकेशन पे पहुंच गए, यहाँ से अपने एक दोस्त को उठाना है। हेलमेट देखो कैसा है, गाल चिपक जाते हैं इसमें हमारे, बहुत टाइट हेलमेट है। बाकी एक स्टोरी पेट्रोल पंप पे हुई थी अभी हमारे साथ, वो शेयर करूंगा अभी जब कहीं बैठेंगे। अभी तो बहुत दूर है, दोस्त को उठाते हैं, लेट हो रहे हैं, बहुत ही चिप जाते हैं। सुनो भाई पहले तो स्टोरी। मैं गया पेट्रोल पंप पे 500 रुपए का तेल भराने। क्या हुआ, बंदा कह रहा मुझसे कितने का तेल भर दूं। मैंने कहा भैया 500 का कर दो। उसने भर दिया 110 का और बंद कर दी मशीन। फिर कह रहा भैया कितने का बोला था। मैंने कहा 500 का। कह रहा अब कितने का और भरूं। मैंने कहा 390 का, मतलब 390 का। तो उसने 110 से स्टार्ट करके 390 का भर दिया और कहने लगा हो गए 500। 110 का पहले, 390 अब। उसने उसने घाटा हुआ ना उसको। आर यू कॉमेडी मी? पहले उसने 500 का तेल बोला। मैंने पहले उसने 110 से शुरू कर। अच्छा, उसने पहले 110 का भर दिया, फिर मशीन का भैया हो गया। तो मैंने कहा भैया मैंने 500 का कहा था। कर अच्छा 500 का। उसने मैं बोला, उसने मुझसे पूछा अब कितने का और जाएगा। मैंने कहा 390 का। तो उसने 110 से स्टार्ट की मशीन और 390 का भर दिया। अब कह रहा हो गया। मैं कह रहा है 110 तो फिर 110 का मेरे को काटा होगा। मैंने कहा भैया पागल मत बनाओ यार। कह रहा हो गया होगा। 5 मिनट बहस कोई, फिर वो बात माना, फिर उसने 500 का भरा। सही लेवल है, 100-100 रुपए करके भाई 3-4 हजार रुपए तो ऐसे ही कमा लेते हैं। कुछ नहीं खाया, बस एसी के हवाले लेने आए थे है ना भाई। भाई हम तो ब्लॉग के लिए जी रहे हैं। है कि अब हल्दीराम में आ गए, वहाँ से गई नहीं, वहाँ कुछ खाया नहीं। एक हमारी फ्रेंड है, उसको यहीं आना था, वो वहाँ जा नहीं सकती थी, ऑटो वगैरह, गर्मी बहुत है, तो यहीं आ गए, यहीं खाएंगे अब खाना। अच्छी जगह है, पीयूष मॉल है, पहली बार मैं इसमें आया हूँ। ये क्या है सुधी? ये मसाला डोसा। और ये रबड़ी है? नहीं, वो चटनी है नारियल की। अच्छा, और ये गोभी चटनी है। और ये सब्जी है? सब्जी है, सांभर होगा ना, सांभर। तो हमने ये ऑर्डर किया है, मतलब इनकी सर्विस इतनी अच्छी है कि 5 मिनट नहीं होंगे हमें, और इन्होंने बना के भी दे दिए। बस छोले भटूरे रहे, पाव भाजी बन चुकी है, कोल्ड ड्रिंक हमने ले लिए, बस इतना ही ऑर्डर था। सुदेश को खाना स्टार्ट कहाँ से करेगा तू? खाना वाना खा लिया, अब निकल रहे हैं। बिल देखिए, A few moments later. तो भाई अभी घर पे आए हैं, अब कपड़े चेंज करेंगे, बहुत थक गए। अब धूप इतनी है ना, बस कसम से बहुत गर्मी है बाहर, टेम्परेचर 47 डिग्री टेम्परेचर होगा। बस खाना खाएंगे और फिर आज क्रिकेट खेलने जाएंगे, बहुत दिन बाद, सालों निकल गए हमने क्रिकेट नहीं खेली। मंडे ना सबसे हार्ड डे होता है, पहले हम स्कूल जाते थे तो भी मंडे, और अब जॉब कर रहे हैं तो भी मंडे। मंडे एक ऐसा दिन होता है छुट्टी के बाद जब सुबह उठना पड़ता है ना यार, एक तो लेट सोए, सुबह जल्दी उठे, मतलब बहुत ही परेशान। मंडे सच में बहुत हार्ड डे होता है, वीक का सबसे हार्ड डे मंडे ही है। मंडे का इतना बुरा सीन होता है ना, समझ लो मंडे यार वाकई में बहुत टफ है। अब आए हैं, लिफ्ट से उतरेंगे, बैंक जाएंगे,
हाल बस ये है कि बस मंडे निकल जाए, उसके बाद तो निकाल लेता है बंदा। आज यार काम भी बहुत है, मतलब देखो क्या क्या हुए मेट्रो से आए तो उसमें तो आज, बाकी पता चले अभी तो बस निकलते हैं। और भाई साहब हम इतने महान हैं कि डेली इसी रास्ते से आ रहे हैं और गेट भटक गए, तो नहीं अब तो निकलते हैं, अब तो पहुंच जाएंगे रास्ते में, पहुंच ही गए समझो। 6 hours later. तो भाई 10 बजे बैंक आए थे, चलते पहले घर जाएंगे, बाकी यार कुछ प्लान करेंगे यार, कहीं और घूमने जाएंगे, फिर ये अपर डूम में देखता हूँ क्या करता हूँ। इन क्या था, मैं यहाँ से आया, मुझे जाना था इस लिफ्ट में क्योंकि नीचे ही हो, यहाँ से आया ऐसे सुबह मॉर्निंग में, यहाँ से ऐसे घूम के इसके पीछे से नहीं किया, इसके पीछे एक लिफ्ट है उसमें से चला गया, मैं कह रहा यार आज मैं कहाँ आ गया। बाकी ये यार कभी कभी सीन ऐसा हो जाता है आदमी ना, कभी कभी हो जाता है कंफ्यूज, ऊपर से आज मैं कुछ एडिटिंग में इतना बिजी था कि मुझे खुद ही नहीं पता चला मैं कहाँ पहुँच गया, तो अभी तो ठीक है निकल रहे। वाक्य में एक ऐसी चीज़ है ना, इसमें बंदा अगर ट्रैवल करता रहे ना तो भी कंफ्यूज हो जाता है, मैं भी अब ऐसे अब तो मैं डेली आने लगे फिर भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। सीन ये है कि जो हमारा लास्ट कल स्टेशन है ना जहाँ ट्रेन जाती है वो दिखाता है, और जहाँ में जाना होता है वहाँ दिखाता नहीं है, प्रॉब्लम यही है बस। अभी हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन, सबसे पुराना मेरे को एक सीन लगता है, मेरे को जूते गंदे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मतलब अगर मेरे जूते गंदे हो जाए ना मेरे शाम सिर में इतनी हिडिक चलती रहती है ना कि यार जूते गंदे साफ़, क्योंकि जूते को साफ़ करना भी आसान है और गंदे तो बहुत जल्दी होते हैं। तो वैसे अभी घर निकलते हैं, सोएंगे, रेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। भाई अभी हम जिम से आए हैं, मतलब भाई साहब को जूते लेने थे तो मैं भी आ गया इसके साथ, फॉर्मल जूते मेरे ऑफिस वाले जूते हैं ना वो थोड़े फट रहे हैं, हम नए लेते हैं। जो एक और जूते मेरे पास रेड चीफ के, मैं उनको ख़राब नहीं करना चाहता यार, क्योंकि वो बहुत महंगे जूते हैं और फिर उसमें ऑफिस जाएंगे तो वो पता ही है ख़राब हो जाएंगे, इसलिए कोई वैसे लोकल से जूते देखने आए हैं। भाई साहब को भी ऑफिस लग गए, इनको भी काम है। हाँ भाई कौन से जूते लोगे, फॉर्मल या स्पोर्ट्स? फॉर्मल लेंगे भाई, हम तो ऑफिस में जाकर बैठने हो गए। तो क्या नाचोगे? पहला जूता ये रहा, सिलाई वाला जूता। कैसे तो मोड़ ले, डिजाइन है जिनका, इतना बड़ा पैर होता है ना, साइज की बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो ये जूता है फुल साइज है भाई, है ये फुल साइज है, ये इसके आप ही नहीं रहा, ये भी टाइट आ रहा है। अब 20 नंबर बनवा दे तेरे लिए कंपनी से। फाइनली ये जूता सेलेक्ट किया हमने, कर लिया ना भाई सेलेक्ट, सही है ना। अब इनके रेट लगवा दे, कितने का भाई? 550 का बता रहे हैं, अब देखना हम कितने का लेते हैं। ये जूता लिया है मुझे तो यार सिंपल ही चाहिए था, तो मैंने सिंपल ही लिया है, देख लो भाई सही लग रहा है, सही है ना दोनों, ठीक है यार काम चल जाएगा। बाकी यार ये जूते ना ऑफिस के लिए सही नहीं होते, इनमें सोल में प्रॉब्लम, मतलब सोल होता है इनमें दर्द होता है। बाकी ऐसे जूते तो मेरे पास दूसरे हैं। इनका क्या रेट है भाई? 550 का है। एक जोड़ी जूते लेने आए थे, लेके 3 जोड़ी जा रहे हैं, 2 भाई साहब ने लिए, 1 मैंने लिया इसलिए यार। इस बैग, कौन सा बैग? अच्छा ये कोने से देख लेना, 550-600 के बता रहा था, 400-400 के 2 लेके आए हम, मतलब ठीक है मार्केट अच्छी थी, कर ली। एक फिर बैग लेने गए, बैग में अच्छे नहीं मिले तो डीकैथलॉन से इनॉक्स के जो नीचे वहाँ से बैग लेंगे। तो भाई अभी हम घर पे आए, नहाए धोए हैं, अब खाना वाना खाएंगे, अब बहुत लेट हो गए थे इसलिए ब्लॉग बना नहीं पाए, अंधेरा था, वीडियो में कैप्चर हो नहीं रहा था। तो ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो।